हेलो फ्रेंड्स, चलिए जो है आज हम करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ए या फिर ओने मैक्सिमा एंड मिनिमा पे हैं। ठीक है, जो हमारे पास से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे बच्चों को जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट एज वेल एज ए ट्राइंगल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन एलिप्स, जो कि इंस्क्राइब्ड है किसमें, कि गिवन एलिप्स में हैविंग इट्स वर्टेक्स, यानी कि एलिप्स आपको गिवन है हैविंग इट्स वर्टेक्स, यानी किसका वर्टेक्स, ट्राइंगल का वर्टेक्स, कोइंसिडेंट को इंसिडेंट विद वन ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, वन ऑफ विद वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि एक मेरे पास जो मेजर एक्सिस इसका रहेगा, उसका जो एंड पॉइंट रहेगा एक, उस पे एक इसका ट्रायंगल का वर्टेक्स रहेगा। क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा। ठीक है, देखते हैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर है एक इलिप्स है। ठीक है, तो इलिप्स को हम फॉर्म करते हैं, इलिप्स को फॉर्म करते हैं। ये आपके पास हो गया इलिप्स, दिस। ठीक है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। इसका मेजर एक्सिस हमारे पास किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ये वाई, और यहाँ मेरे पास क्या है, वाई डैश है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस इलिप्स के अंदर ये जो आपका मेजर एक्सिस आपका ये है, ये आपका है माइनर एक्सिस। ठीक है, इसी मेजर एक्सिस का दो एंड पॉइंट है, एक तो एंड पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, इसमें हमने यह करना है एक एंड पॉइंट लेना, तो मैंने लिया एक एंड पॉइंट, और इसके एंड पॉइंट पे एक वर्टेक्स है जो कि ट्रायंगल का वर्टेक्स है, और जो ट्रायंगल है वो एज सेलस है, और इसके अंदर अंदर है, तो मैंने लिया एक पॉइंट लिया है, मेरे पास क्या है कोई पी है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू है, ये होगी हमारे पास है ट्रायंगल, दिस आइसो सेलस ए ट्रायंगल, दिस इज आइसो सेलस ए ट्रायंगल। ठीक है, तक देखिए आप यहाँ पे, ये ट्रायंगल हमारे पास है आइसोसेलेस। इस पॉइंट की बात करते हैं पहले, अगर इस इलिप्स की बात करते हैं तो इस इलिप्स को आप लेट कर लेंगे, लेट द गिवन इलिप्स, गिवन इलिप्स बी, जो गिवन इलिप्स है वो मेरे पास है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये होती है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स, जहाँ पे जो ये मेरे पास आपका ए है, ये आपका इस बी से बड़ा है, ग्रेटर है, हेयर दिस ए इज ग्रेटर देन ए बी, ये हमारा बी से बड़ा, मीन्स ये जो ए आपका है ये मेजर एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये आपका है ओरिजिन पॉइंट, दिस ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है ए है, ए है। अगर ये डिस्टेंस आपका ए है तो अगर आप बात करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपकी ए, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करनी बात, नेक्स्ट बात करते हैं। वो एक पॉइंट और नोट करना है कि मेरे पास कोई भी इलिप्स है, क्या कोई भी इलिप्स, उस पर जो है हमारे पास एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इलिप्स के, कोई भी पॉइंट मेरे पास है वो इस फॉर्मेशन में होता है, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा, इस पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, एलिप्स पे कोई मेरे पास पॉइंट आपका है वो किस फॉर्मेशन होता है, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा की फॉर्मेशन में होता है। बात करते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करता है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, ये पॉजिटिव आती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है, दोनों नेगेटिव आते हैं, ये डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो ये पॉइंट आपका पी है, इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया है, ये मेरे पास क्या पॉइंट है, ए कोस थीटा और यहाँ पे बी साइन थीटा, इस ए कोस थीटा और यहाँ पे आपका कुंभा बी साइन थीटा, हमने इसको लेट यहाँ पे कर लिया है, लेट कर लो आप यहाँ पे, दिस ये मेरे पास इलिप्स है एंड एंड दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल दिस लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट इज ए, ट्रायंगल दिस ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू,
या फिर ऐसा करें, पहले आप नाम दें यहाँ पे एंड लेट लेट पी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी दिस ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट लिया ये पी, तो मेरे पास क्या है ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। नाउ दिस एंड ए क्यू इन दिस क्वाड्रेंट दिस ए, अगर इसकी बात करते हैं इस क्यू पॉइंट की, तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू, और एक्स मेरे पास ये आपका है ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। बट इसी क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है और वाई क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसको आप नेगेटिव कर देंगे, माइनस में आपका बी साइन थीटा। साथ मेरी यह बात आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, लेते हैं यहाँ पे। देन अगर ये मेरे पास ये पी ए है, देन उसके बाद जो है ये बन जाएगा आपका ए कोस थीटा एंड माइनस बी साइन थीटा, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तक दिस ए पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये मेरे पास जो आपका साइड है ये साइड आपका इस साइड के इक्वल है, तभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये सेम बन पाएंगे। यहाँ पे ये मेरे पास क्या होनी, यहाँ पे इक्वल, इसमें ए पी जो आपका ए क्यू के इक्वल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट है, इसको लेट क्या ये एम है, क्या यहाँ पे एम है, ठीक है। तक ये मेरे पास ये एम पॉइंट है, हमें जो है इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया को हमें ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए भी हमारा होता है हाफ ऑफ ही बेस, ये आपका बेस, दिस बेस एंड दिस हाइट, बेस और हाइट चाहिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये साइड आपका इसके इक्वल है और ये आपका इसके इक्वल बन जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे आपका है, ठीक है। तक अब देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे दिस एरिया ट्रायंगल, दिस ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, हेयर बेस इज पी क्यू, बेस इज पी क्यू एंड हाइट इज दिस ए एम, हाइट इज दिस ए एम, ए एम ये पी क्यू क्या है, ए एम क्या है, इसको पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कर देखो, इसे यहाँ पे पी से क्यू आप ये डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे, मैं साइड में कर देता हूँ पी क्यू डिस्टेंस ही, तो पी पे अप्लाई करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला, इसमें से करेंगे इसको माइनस जीरो हो गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस वन और वन टू बी, माइनस टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर द रूट बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका स्क्वायर से रूट आपका, या पहले इसका स्क्वायर कर लिया आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी आपकी फोर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, फोर का रूट यहाँ पे आपका टू, फिर यहाँ पे आपका बी साइन का इस रूट यहाँ पे साइन थीटा, तो मेरे पास ही पी से क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या बन गया टू बी साइन थीटा। अगर बात करते हैं आप यहाँ पे इसी ए से एम डिस्टेंस की, ए से एम, अब कहेंगे सर यहाँ पे ए तो है लेकिन एम नहीं है, अरे है एम, जो मेरे पास है वो इस पी क्यू का मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पी क्यू, तो मैं इसको भी फाइंड कर देता हूँ। एम मेरे पास, एम के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एम इसका मिड पॉइंट है, तो अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, ये प्लस ये बाय में टू, ये एक कोस थीटा एक कोस थीटा हो गया टू ए कोस थीटा, बाय में टू टू कैंसिल हो गया ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इसको ऐड किया जीरो हो गया, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे जीरो। बात करते हैं इससे इसके डिस्टेंस की, एम पॉइंट मेरे पास आ गया है ये है, ए पॉइंट आपके पास ये है ए और जीरो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए से एम का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या करें यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया ए माइनस ए कोस थीटा होल स्क्वायर, माइनस करेंगे जीरो अंडर द रूट, ठीक है, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल आउट, तो ए माइनस ए कोस थीटा, ये आ गया मेरे पास वैल्यू इसकी, पुट करेंगे यहाँ पे दिस एरिया जो ट्रायंगल मेरे पास उसको मैंने कैपिटल ए लेट कर लिया है, ये आपका हाफ ऑफ जो पी क्यू हमारे पास है, पी क्यू मेरे पास है टू बी साइन थीटा, टू बी साइन थीटा एंड द वैल्यू ऑफ ए एम हेयर इज ए माइनस ए कोस थीटा, कोस थीटा, शायद मेरी बात आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। साइड में फाइंड कर लेना, मैं साइड में कर दिया है और वैल्यू यहाँ पे पुट्टी कर दी है, ठीक है। तक अब देखिए आप यहाँ पे, अभी मेरे पास एरिया तो आ गया,
इस एरिया को हमें करना है मैक्सिमाइज करना, ग्रेटेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए कॉमन है, टू से आपका टू कैंसिल आउट, ए यहाँ से कॉमन लिया आपने, ए बी यहाँ पे है, साइन थीटा है, और यहाँ पे आपका हो गया वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा ए। इसको नाम दें यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये आपका ए बी, इस पर अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे प्रोडक्ट टू ली, तो ये आपका साइन थीटा आपका सेम। इसका डेरिवेटिव आप करते हैं, इसका आप डेरिवेटिव करते हैं, ये कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। क्लोज ब्रैकेट लगा दे आप यहाँ पे, है ए बी, ये आपका एच डी जी, इसका डेट मेरे पास ये हो गया, प्लस में आपका, अब ये आपका सेम वन माइनस कोस थीटा आपका सेम, साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास वही वैल्यू होगी यहाँ पे ए बी इंटू में आपका अंदर मल्टीप्लाई किया साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कोस थीटा, कोस इंटू कोस माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करें, ये मेरे पास जो है कोस में है टोटली, तो मैंने क्या किया साइन स्क्वेयर को जो है कोस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, साइन स्क्वेयर को कोस में कन्वर्ट कर दिया है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ए बी इंटू में आपका साइन स्क्वेयर को क्या लिखवाऊंगा मैं, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस में आपका कोस थीटा, माइनस में आपका कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास बन गया यहाँ पे एक और एक दो, ये बन गया आपके यहाँ पे ए बी इंटू में आपका दिखाई दे रहा होगा आपके यहाँ पे, ये आपका वन माइनस वन प्लस में आपका कोस थीटा, वन और वन माइनस में टू कोस स्क्वेयर थीटा, ये मेरे पास क्या है ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको पुट करेंगे इक्वल टू क्या, जीरो पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या किया, पुट डी वी सॉरी डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसको ये जीरो सेट जीरो देगा, या मेरे पास जो है इसको जीरो पुट करेंगे, वन प्लस कोस थीटा माइनस में आपका टू कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जीरो, सभी को ले जाओ उस साइड में, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव बना लेंगे इसको, माइनस उस साइड आपका प्लस टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस कोस थीटा, और ये माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे आपका जीरो। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है ना। जब आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, एक तो वैल्यू आएगी मेरे पास वन, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस वन बाई टू, दो वैल्यू आएगी यहाँ से, एक तो आपकी वैल्यू वन आएगी, एक मेरे पास माइनस का वन बाई टू। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोस थीटा वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में, ठीक है तक, चलो भाई। तो अगर मेरे पास कोस थीटा अगर आपका वन है, या फिर कोस थीटा हमारे पास क्या है माइनस वन बाई टू है, कोस थीटा की मेरे पास जो वन वैल्यू है वो किस एंगल पे होती है, कहेंगे सर थीटा आपका जीरो पे, जीरो पे, ठीक है ना। अगर मेरे पास थीटा का जीरो बन गया ना, तो उस केस में यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। थीटा मेरे पास जो जीरो का बनता है जब ये जो पॉइंट आपका है ये इसको कोइंसाइड कर लेता है, क्या कर लेता है यहाँ पे, कोइंसाइड कर लेता है, ठीक है तक। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मेरे पास थीटा माइनस का वन बाई टू बनता है टू पाई बाई थ्री पे, 120 डिग्री पे, थीटा हो गया मेरे पास 120 डिग्री। अब इस पॉइंट पे चेक करेंगे ये आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो पहले करेंगे इसका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर इसका जो है डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे इसके यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वेयर ए बाय में आपका डी थीटा स्क्वेयर। तो मेरे पास ये ए बी, ए बी इंटू में आपका वन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया जीरो, कोस का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे पहले पावर आ गया है माइनस फोर कोस थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस ही प्लस बन जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब ये चेक करेंगे इसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है इस पॉइंट पे। तो डी स्क्वेयर ए बाई में आपका डी थीटा स्क्वेयर एट टू पाई बाई थ्री, एट एक्स थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री पे,
दिस ए बी इंटू में आपका माइनस साइन थीटा, मेरे पास क्या है 122 पाई बाई 3 प्लस में आपका 4 इंटू कोस थीटा यानी कोस 2 पाई बाई 3 इंटू में आपका साइन है 2 पाई बाई 3 वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे देखो अगर वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर ही तो मेरे पास एक कोस की जो वैल्यू है वो होती है आपका कोस 2 पाई बाई 3 की माइनस 1 बाई 2 4 इंटू में आपका माइनस 1 बाई 2 साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 यहाँ मेरे पास प्लस में साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस में आपका रूट 3 बाई 2 और देख पा रहे आप यहाँ मेरे पास ये नेगेटिव वैल्यू ये भी आपका नेगेटिव वैल्यू तो ओवरऑल क्या बन गया यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या है मैक्सिमा है किस पॉइंट पे है इस पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे है ठीक है ना तो अब यहाँ से फाइंड करेंगे हम इसका मैक्सिमम तब गया मेरे पास जो इसका एरिया होगा वो ग्रेटेस्ट होगा मैक्सिमम होगा और उसका हमें एरिया जो फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेसी ट्रायंगल अब ये ग्रेटेस्ट तो है इसका एरिया मैक्सिमम तो है यहाँ पे वो एरिया क्या है वो एरिया भी फाइंड हमें यहाँ पे करना है तो अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे दिस एरिया ट्रायंगल दिस ए पी क्यू हमारे पास मैंने फॉर्म लिखा था आपके यहाँ पे ये मेरे पास क्या था एरिया आपका ए बी साइन थीटा इंटू में आपका 1 माइनस कोस थीटा ये मेरे पास क्या यहाँ पे ए बी साइन थीटा इंटू में आपका 1 माइनस कोस थीटा शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो पुट करेंगे ए बी साइन थीटा मेरे पास क्या है 2 पाई बाई 3 पे तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 इंटू में आपका 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 3 ठीक है दिस इज साइन 2 पाई बाई 3 दिस ए बी एंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 3 इज माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ये ऐड करेंगे वैल्यू यहाँ पे 3 बाई 2 इंटू में आपका रूट 3 बाई 2 यहाँ पे आपका ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह ए बी 3 रूट 3 ठीक है ना 3 रूट 3 ए बी 3 रूट 3 ए बी और डिवाइड में आपका 4 स्क्वेयर यूनिट आंसर आ गया तो हमारे पास इसका एरिया जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 3 रूट 3 ए बी और बाई में आपका 4 शायद आपको यहाँ पे समझ ही पाएंगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इसने कहा यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल एक मेरे पास रेक्टेंगल है जो कि उसका जो एरिया है वो ग्रेटेस्ट होगा वो हमें प्रूव फाइंड भी करना है यहाँ पे और प्रूव भी करना हो कि वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स जो कि इंस्क्राइब्ड है कि इलिप्स के अंदर ठीक है देखते हैं आप यहाँ पे मैं लिया यहाँ पे मेरे पास एक इलिप्स है ये आपका यहाँ पे है इलिप्स यस ये आपका यहाँ पे है एक्स एक्स डैश ये आपका है वाई वाई डैश ठीक है ये आपका सेंटर पॉइंट ओ यहाँ पे है इसमें लिया मैंने एक इलिप्स लिया है ये आपका हो गया इलिप्स दिस ठीक है ये हमारे पास ही इलिप्स है इसके मेरे पास इक्वेशन है वो आपको गिवन है यानी कि एक्स बाई ए स्क्वायर की जो मेजर एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस पे है जो कि आपका ए है माइनर एक्सिस आपका वाई एक्सिस पे है जो कि डिस्टेंस आपका ये है मेरे पास क्या है बी है ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए अब देखें इसके अंदर लिया मैंने इसके अंदर जो है लिया है रेक्टेंगल लिया है क्या लिया है रेक्टेंगल तो ये मेरे पास हो गया कोई रेक्टेंगल दिस रेक्टेंगल ये हमारे पास है रेक्टेंगल दिस इज लेट दिस पी क्यू दिस आर एंड दिस एस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इन दिस इलिप्स ईच एंगल 90 डिग्री 90 90 90 90 ठीक है तक तो लेट करेंगे यहाँ पे लेट सॉल्यूशन पे आते हैं सॉल्यूशन पे लेट ई पी क्यू आर एस बी अ रेक्टेंगल विच इज इंस्क्राइब्ड मतलब इंस्क्राइब्ड मीन्स क्या है अंदर है ठीक है उसके जो वर्टेक्स हैं वो इस इलिप्स को टच करेंगे सभी के इंस्क्राइब्ड इन गिवन इलिप्स
गिवन ही इलिप्स, इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू वन, ठीक है तक। और आपको जो है बताया गया था इलिप्स पे, मेरे पास आपका है इलिप्स पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपका पॉइंट पी एक्स, ये आपका आर, ये आपका जो है पी, ये आपका क्यू, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट एस है, इसको मैंने लेट कर लिया है, लेट लेट पॉइंट एस, जो पॉइंट एस हमारे पास है ये आपका यहाँ पे है ए कोस थीटा, इसको लेट कर लिया है ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अगर ऐसा आपका ये है तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका बन जाएगा, अगर ये आपका है ए कोस थीटा बी साइन थीटा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कोस थीटा और इसमें आपका वाई नेगेटिव है तो माइनस का बी साइन थीटा, ठीक है तक। सेम ऐसे ही अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि ए कोस थीटा नेगेटिव में माइनस में और ए बी साइन थीटा आपका प्लस में, ऐसे ही क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव वाई भी आपका नेगेटिव, माइनस ए कोस थीटा और यहाँ पे माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, ठीक है। तो लेट पॉइंट एस मेरे पास ये है और आर ये है, क्यू ये है और पी मेरे पास ये है, लिख पाएंगे इसको आप यहाँ पे, ठीक है ना। लेट पॉइंट एस मेरे पास ये है, देन इसे आर आपके पास रहेगा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है। पॉइंट पी आपके पास रहेगा माइनस ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा, और मेरे पास ही क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्यू हो जाएगा माइनस ए कोस थीटा और यहाँ पे माइनस बी साइन थीटा, शायद आप मेरी बात समझ यहाँ पे पा रहे होंगे। हमें जो है करना क्या, केवल यहाँ पे हमें इसी रेक्टेंगल, मेरे पास रेक्टेंगल जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया के लिए क्या फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कहेंगे सर वेरी सिंपल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ ही मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट ए बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट ए बी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, फार्मूला फॉर एरिया इज दी लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दिस लेंथ इज दिस क्यू आर और यू कैन सी डेट दिस पी एस, पी एस दिस लेंथ इज पी एस एंड द ब्रेथ इज पी क्यू हेयर, दिस पी क्यू हेयर, वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे। पी से आप जो है, पी से आपका एस का जो डिस्टेंस है इसको फाइंड कर पाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला देखो कैसे, यहाँ पे इसमें से करेंगे इसको माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एड ए कोस थीटा और ए कोस थीटा टू ए कोस थीटा होल स्क्वेयर, इसमें से इसको माइनस करेंगे जाएगा जीरो, ओनली टू ए कोस थीटा का होल स्क्वेयर, तो ओनली इसकी लेंथ बन जाएगी हमारे पास टू ए कोस थीटा, तो ये मेरे पास जो पी एस है ये आपको हो जाएगा टू ए कोस थीटा, शायद मेरी बात आप यहाँ पे समझ ही पा रहे होंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना। स्क्वेयर से रूट आपका कैंसिल आउट, इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं पी क्यू की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये आपका इसमें से करेंगे इसको माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा माइनस टू बी साइन थीटा माइनस टू बी साइन थीटा का होल स्क्वेयर अंडर दी रूट हो जाएगा, स्क्वेयर करेंगे आप यहाँ पे फोर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अंडर दी रूट, इसका मेरे पास होगा रूट यहाँ पे टू बी साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है ना, टू बी साइन थीटा बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई में टू बी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, लेंथ भी आ गई मेरे पास, ब्रेथ भी आ गई, तो इसको क्या राइट कर पाएंगे आप यहाँ पे, इसको यहाँ से रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मेरे पास एरिया के लिए क्या बन गया यहाँ पे फार्मूला आपका, ए आपका हो गया टू ए टू टू यहाँ पे आपका फोर फोर ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, शायद मेरी बात आप यहाँ पे समझ ही पा रहे होंगे। एक काम और कर लिया आप यहाँ पे, डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे क्या अगर जो ये पास फोर था फोर को मैंने राइट कर दिया है टू ए बी टू और इंटू में आपका टू
टू साइन थीटा और कोसाइन थीटा, ठीक है ना। फोर था, फोर को मैंने क्या राइट कर दिया यहाँ पे, टू और टू फोर, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका होता है साइन टू थीटा। तो इसको क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, टू ए बी और यहाँ पे साइन ए टू थीटा, ये मेरे पास ए है। सर करेंगे आप यहाँ पे डेरिवेटिव, तो डी ए किसके थीटा के रिस्पेक्ट, बाय में आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू ए बी साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कोस थीटा, यानी कि टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका टू आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको पुट करेंगे यहाँ पे, क्या इक्वल टू जीरो, तो पुट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है डी ए बाई डी थीटा को पुट करते हैं आप जीरो, तो ये आपको देगा फोर ए बी, ये आपका जो है फोर ए बी कोस टू थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपका जीरो। तो यहाँ से करते हैं आप यहाँ पे कोस टू थीटा इक्वल टू यहाँ पे जीरो, ठीक है, ए बी साइड आपका जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो है कोस टू थीटा मेरे पास जीरो है। अब इसकी जो मेरे पास जीरो वैल्यू बनती है, एक तो बनेगी इसकी मेरे पास यहाँ पे टू थीटा, या तो मेरे पास जीरो होगा, सॉरी, या तो मेरे पास 90 होगा, 90, या मेरे पास क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, फिर आप कहेंगे 270 वहाँ पे, ठीक है ना, 270 पे होगा। कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है जीरो, क्या किस पे होती है, एक तो आपको होती है 90 पे, कोस 90 आपका जीरो होता है, और एक मेरे पास होता है 270 पे, ठीक है ना। आगे और लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ मेरे पास थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, टू इस डिवाइड में 45 डिग्री एक तो, और यहाँ पर करेंगे मेरे पास ही टू वनजा टू थ्री जा और टू फाइव जा 135 डिग्री, ठीक है, 45 पे और 135 पे। चेक करते हैं अब यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो मैंने यहाँ पे डी स्केयर ही ए और बाई में आपका डी थीटा स्केयर, ठीक है ना, डी स्केयर ए बाई में डी थीटा यहाँ पे आपका स्केयर, डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप एक बार और यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू आई थी इसकी ये, ठीक है ना, ये वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ पे, ये आपका फोर ए बी कोस का डेरिवेटिव करेंगे मेरे पास यहाँ पे फोर ए बी कोस का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा माइनस में, और टू थीटा में डायरेक्टली यहाँ पे आपका टू, तो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास माइनस एट ए बी साइन ए टू थीटा, ठीक है ना। अब चेक करें इसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव मैक्सिमा किस पॉइंट पे देगा, किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम देता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे आप डी स्क्वेयर ए बाय में आपका डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका, अगर मैं बात करता हूँ पाई बाई फोर पे, यानी कि 45 पे, इसको 45 को क्या राइट करते हैं पाई बाई फोर राइट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस में आपका 8 ए बी 45 का डबल करेंगे आप 90, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, इनटू में आपका 1 नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि जब थीटा मेरे पास पाई बाई फोर है तो उस केस में इसका जो वैल्यू है, जो मेरे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है यहाँ पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, ठीक है। तक 135 अगर आप लेते हैं यहाँ पे, 135 का आप डबल करते हैं तो मेरे पास वैल्यू बन गई 270, और साइन 270 की वैल्यू होती है हमारे पास ही माइनस 1, ठीक है ना। वहाँ पर भी मेरे पास ये माइनस पुट करेंगे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो ये आपको देगा यहाँ पे पॉजिटिव, जो कि मिनिमा देगा वहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मैक्सिमा, तो क्या वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे पाई बाई फोर पे, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे आप इस पॉइंट को, तो मेरे पास यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ पे दिस मैक्सिमम एट ए इजी मैक्सिमम एट ए थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर 45 पे, क्या करें अब इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, इस मैक्सिमम एरिया को जो आपके पास ये आया था, दिस आया था मेरे पास, ये आया था आपका एरिया दिस, तो एरिया मेरे पास ए मैक्सिमम मेरे पास क्या होगा यहाँ पे आपका टू ए बी साइन साइन थीटा पाई बाई फोर का डबल 90 साइन ए 90 पाई बाई टू साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे टू ए बी स्क्वेयर यूनिट्स आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह कर पाए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं यहाँ पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट क्या है देखते हैं यहाँ पे। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल,
इसने कहा यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है किस पे, हाइपोटेनूज पे, किसके राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है भाई। इज एट आर डिस्टेंस, इज एट आर डिस्टेंस इज ए, डिस्टेंस ए पे है एंड एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये मेरे पास जो ट्राइंगल है जो उसकी साइड्स है, एक तो डिस्टेंस ए पे है और एक मेरे पास जो है डिस्टेंस है बी पे है, ठीक है भाई। शो डेट द मिनिमम लेंथ, आपको जो शो करना है जो मेरे पास मिनिमम लेंथ है किसका, हाइपोटेनूज का, वो आपका ये है, इसको हमें शो यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, ये आपके पास है ट्रायंगल जो कि है राइट एंगल, राइट एंगल ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ये पॉइंट आपका है ए, ये पॉइंट हमारे पास बी, ये पॉइंट हमारे पास क्या सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस पॉइंट पे राइट एंगल है, उसने कहा एक पॉइंट मेरे पास है इसे हाइपोटेनूज पे, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, लेट क्या मेरे पास ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये कोई पॉइंट आपका पी है, ठीक है। एक पॉइंट लिया हाइपोटेनूज पे, और जो ये पॉइंट आपका पी है ये इसकी दो साइड है, मेरे पास एक साइड ये है, एक साइड आपका ये है, हाइपोटेनूज से दूसरी मेरे पास दो साइड है। इस इनसेन से जो है एक तो ए डिस्टेंस पे है, तो ये आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका ए है, एज्यूम करें ये ए है, और इस साइड से जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका बी है, क्या है बी है, ठीक है ना। एक तो ए डिस्टेंस पे है और एक आपका बी डिस्टेंस पे है। मैं दोबारा इसको राइट कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा इसको राइट कर देता हूँ। एक तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने ए लेट कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ए है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये आपका पॉइंट कर ले, पॉइंट मेरे पास ये आपका एम है, ये पॉइंट यहाँ पे एन है, ये डिस्टेंस आपका बी है, ठीक है तक ये हमारे पास है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। जिससे ए बी सी, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल विच इज ए, विच इज ए राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड विच इज ए राइट एंगल्ड, कहाँ पे भाई, एट ए पॉइंट बी पे है, एट पॉइंट बी पे है, बी पे आपका राइट एंगल है। क्या कि हमने टेक अ पॉइंट पी ऑन साइड दिस ए सी, टेक अ पॉइंट पी, इस पे पॉइंट लिया हमने, टेक अ पॉइंट पी ओन ए हाइपोटेनूज, ओन ए हाइपोटेनूज मेरे पास क्या आपका ए सी, ए सी पे पॉइंट लिया है, ठीक है तक, जो कि विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम दिस बी सी एंड दिस बी फ्रॉम दिस ए बी, ए बी। नाउ आगे पढ़े सुनिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हाइपोटेनूज पे राइट एंगल ट्राइंगल जो कि डिस्टेंस ए पे है और एक में पार डिस्टेंस बी पे है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। शो डेट द मिनिमम लेंथ है, मेरे पास मिनिमम लेंथ होगी किसकी, हाइपोटेनूज की, इसे हाइपोटेनूज की जो मेरे पास मिनिमम लेंथ है वो आपका ए रेज टू द पावर 2/3 प्लस बी रेज टू द पावर 2/3 होल पावर 3/2 होगी। ये हमें इसको यहाँ पे करना है, प्रूव यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पहले हमें हमारा जो पर्पज रहेगा वो इसकी एसी की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है ना, एसी की लेंथ को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप, यहाँ पे जो ये आपका एंगल है, इस एंगल को मैंने लेट कर लिया है, ये मेरे पास को एंगल थीटा है, क्या है थीटा है। अगर ये आपका जो है एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा, क्यों होगा, राइट एंगल, राइट एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट लेट एंगल दिस एम सी पी इज इक्वल टू थीटा, देन देन दिस एंगल एम ए पी ए आल्सो थीटा, देन एंगल एम ए पी ए आल्सो थीटा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है तक, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मेरा काम क्या है केवल ही इसे हाइपोटेनूज की लेंथ को फाइंड आउट करना। क्या करो, ट्रायंगल लेंगे ए एम ए पी, ये ट्रायंगल लिया आपने ए एम पी, ठीक है, इसमें आपको एंगल थीटा पता है, बेस पता है, क्या इसे हाइपोटेनूज को फाइंड कर पाएंगे, कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लिया आपने
ए एम पी, इन ट्रेंगल ए एम ए पी पे, पी पे अप्लाई कर दे क्या बेस, ये आपका बेस हाइपोटेन्यूज, बी और एच इसमें आता है कोस के अंदर, तो अप्लाई करेंगे कोस थीटा, दिस इज कोस थीटा इज इक्वल टू बेस आपका बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आपका ए पी, सेम क्या करें सेम करेंगे इस ट्रेंगल पे, ट्रेंगल पी एन ए सी पे, इन ट्रेंगल पी एन सी, इन ट्रेंगल पी एन ए सी पे अप्लाई करेंगे सेम यहाँ पर भी कोस थीटा, इसमें जो मेरे पास गिवन क्या है परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, इसमें अप्लाई कर दो आप साइन थीटा, क्या साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपोन में आपका हाइपोटेन्यूज पी सी, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें ए पी की वैल्यू इसको इस साइड में इसको उस साइड में, तो यहाँ से ए पी आपके पास हो जाएगा बी बाय में कोस थीटा, और यहाँ से अगर पी सी को फाइंड करते हैं तो ए बाई में आपका साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, वन बाई कोस थीटा क्या होता है सिकेंट थीटा, तो ये बी सिकेंट थीटा, ये आपका ए पी, शायद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी सी मेरे पास क्या आपका ए कोसिकेंट थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे लेंथ ही ऑफ दिस ए सी दिस हाइपोटेन्यूज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज ए सी, नाउ ए सी इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ए सी को लिख पाएंगे आप ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी, तो ये ए पी की वैल्यू मेरे पास क्या आपका बी सिकेंट थीटा, ये मेरे पास पी सी क्या आपका यहाँ पे ए कोसिकेंट थीटा, ए कोसिकेंट थीटा, ठीक है तक। अब जो है करें इसका यहाँ पे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करते हैं इसका ए सी, इसको लेट कर लो आप, ये एल है, ये एल है, ठीक है मैंने इसको जो है एल दे दिया नाम है, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका यहाँ पे डी एल बाय में आपका थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना डी थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसे बी डेरिवेटिव सिकेंड थीटा इज सिकेंड थीटा इंटू, सिकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सॉरी सिकेंट थीटा डेट में पास सिकेंट थीटा इंटू में आपका टेंजेंट थीटा, ठीक है तक प्लस में आपका ए डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा इज ई माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा इंटू में आपका कोट थीटा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है तक। अब यहाँ पे पुट करेंगे इसको इक्वल टू क्या जीरो, किसके लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना देखिए तो मैंने पुट किया डी एल बाई डी थीटा को इक्वल टू क्या जीरो, तो यहाँ से आपके पास है अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूँ ये माइनस इस साइड आपका प्लस है, तो ये आपको हो जाएगा बी सिकेंट थीटा इंटू में आपका टेंजेंट थीटा, माइनस उस साइड आपका प्लस है ए कोसिकेंट थीटा इंटू में आपका कोट थीटा, शायद मेरी बात आप यहाँ पे समझ ही पा रहे होंगे, दोनों को क्या करो कन्वर्ट कर दो साइन कोस की टर्म में, ठीक है साइन कोस की टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो मेरे पास बी सिकेंट को मैं क्या लिख पाऊंगा वन बाय में आपका कोस थीटा इंटू में आपका टेंजेंट को साइन थीटा और बाय में आपका कोस थीटा इज इक्वल टू ए इंटू में कोसिकेंट को वन बाय में आपका साइन थीटा और कोट को कोस थीटा बाय में आपका साइन थीटा, शायद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें अब क्या करें आप यहाँ पे ये कोस स्क्वेयर यहाँ पे साइन स्क्वेयर, ठीक है राइट करेंगे आप यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, ये आपका बी इंटू में आपका बी इंटू में आपका साइन थीटा बाई कोस के थीटा, साइन थीटा डिवाइड में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ए कोस थीटा डिवाइड में आपका साइन स्क्वेयर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप बी साइन ए होल पावर थ्री थीटा, यहाँ पे आपका जो है ए कोस की पावर टू और वन ए थ्री थीटा, ठीक है इसे कोस को ले आओ इस साइड में बी को भेज दो उस साइड में, तो साइन ए क्यूब थीटा डिवाइड में आपका कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई में आपका बी, ठीक है ना तो इसको साइन बाई कोस क्या हो गया टेंजेंट, टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, क्यूब ई साइड लेके जाएंगे आप यहाँ पे देगा क्यूब रूट मीन्स ए बाई बी होल पावर ए वन बाई थ्री, होल पावर ए
वन बाई थ्री, शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास आ गया टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से। अब ये चेक करना है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। कर दो भाई डबल डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे, ठीक है डबल डेरिवेटिव कर दो भाई। मैं इसको जो है थोड़ा सा वो छोटा बना देता हूँ यहाँ फिगर को, ठीक है थोड़ा छोटा बना देता हूँ फिगर को ताकि और स्पेस हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास है आपका ट्रायंगल दिस, ये पॉइंट आपका ए बी सी, राइट एंगल पी पॉइंट लिया आपने यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपका ए, ये डिस्टेंस आपका बी, राइट एंगल राइट एंगल, ये एम ये आपका एन, ठीक है ना। ये एंगल था आपका थीटा, ये एंगल भी क्या था आपका थीटा। ये फिगर हमारे पास है अभी भी दिखाई दे रहा होगा कोई ना छोटी सी होगी है। देखो आप यहाँ पे नाउ डेरिवेटिव करेंगे आप यहाँ पे नाउ डबल डेरिवेटिव इसका जो है डबल ही डेरिवेटिव करेंगे इसका यहाँ पे। तो डी स्क्वेयर एल बाई डी थीटा स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एल बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे बी, इस पे क्या अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूलिंग, बी इनटू में आपका सिकेंट थीटा सेम टेंजेंट का डायरेक्ट यहाँ पे सिकेंट स्क्वेयर थीटा, फिर आपका प्लस अब यहाँ पे आपका टेंजेंट थीटा सेम डेरिवेटिव सिकेंट थीटा का, टेंजेंट थीटा आपका सेम डेरिवेटिव सिकेंट का सिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना डेरिवेटिव कर दिया आपने इसका। क्या किया बी इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर यहाँ पे आपका क्या करना है माइनस में आपका माइनस में ए इंटू में आपका ये आपका कोसिकेंट थीटा सेम इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना ए इंटू में आपका, ए इंटू में आपका कोसिकेंट थीटा आपका सेम डेरिवेटिव ऑफ कोट थीटा इज ए माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, फिर आपका प्लस अब आपका कोसिकेंट कोट थीटा आपका सेम डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा इज ए माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा नेगेटिव में तो यहाँ पे देगा माइनस, क्या देगा माइनस, ठीक है ना। शायद आप मेरी बात यहाँ पे समझ ही पा रहे होंगे। शाबाश इज इक्वल टू ये मेरे पास b इंटू में आपका जो भी है ये आपको देगा सिकेंट क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इंटू में आपका सिकेंट थीटा, ठीक है यहाँ क्या करो माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ माइनस कॉमन लिया माइनस माइनस ही प्लस बन जाएगा a इंटू में आपका कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट कोसिकेंट क्यूब थीटा और ही प्लस में आपका कोटी स्क्वेयर थीटा इंटू में आपका कोसिकेंट थीटा। शायद आप समझ ही पा रहे होंगे और चेक करें आप नोटिस करें आप यहाँ पे इसकी जो मेरे पास वैल्यू है और आज जो वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे थीटा को मेरे पास उस पुट करेंगे इस पे जब टेंजेंट थीटा हमारे पास ये ए बाई बी होल पावर वन बाई थ्री है तो नोटिस करो सारी पॉजिटिव क्वांटिटी मेरे पास है। इसका आंसर तो मेरे पास आएगा डी स्क्वेयर एल बाई में आपका डी थीटा स्क्वेयर ये आपका देगा पॉजिटिव, ठीक ना पॉजिटिव आएगा किस पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या यहाँ पे आपका मिनिमा है। क्या है मिनिमा, मिनिमा है मिनिमा है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे पता लग गया यहीं आपको रुकना था कि मेरे पास शो करो दो मिनिमम लेंथ है आपका जो है हाइपोटेन्यूज का वो मेरे पास ये है ये तो शो होगा कि मिनिमा है। अब वो मिनिमम लेंथ जो है वो फाइंड यहाँ पे करेंगे इसको शो करना है ठीक है कैसे करें देखो आप यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करने की ए और सी से बीच का डिस्टेंस फाइंड हमें यहाँ पे करना है कैसे करेंगे वो देखो आप यहाँ पे टेंजेंट थीटा मेरे पास ये आपका है ए बाई बी अगर मैं बात करता हूँ ए से सी की ए से आपका सी अगर फाइंड करते हैं नोटिस करना आप यहाँ पे ए सी को मैंने लिखवाया होगा आपके यहाँ पे ये आपका ए सी की लेंथ मेरे पास क्या आपका है बी सिकेंट थीटा प्लस में आपका ए कोसिकेंट थीटा तो ये मेरे पास क्या आपका बी सिकेंट थीटा प्लस में आपका ए कोसिकेंट थीटा ए कोसिकेंट थीटा ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मुझे सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो इजीली फाइंड कर पाएंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल ही देखो आप यहाँ पे इस पे आएंगे ये मेरे पास है ए की पावर में वन बाई थ्री डिवाइड में बी की पावर वन बाई थ्री ये आपका है टेंजेंट थीटा और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस
यहाँ से हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर अंडर दी रूट। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ए की पावर 2/3, इसका स्क्वेयर करेंगे बी की पावर 2/3 का अंडर दी रूट। ये हमारे पास क्या आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आपका बी इंटू में आपका सीकेंड थीटा, सीकेंड होता अपने पास एच बाई में आपका बी, एच बाई बी, एच मेरे पास ये है ए की पावर 2/3 प्लस में आपका बी की पावर 2/3 का अंडर दी रूट डिवाइड में आपका बी, बी मेरे पास क्या आपका बेस, बेस मेरे पास ये है बी की पावर में आपका 1/3 है। ठीक है ना, प्लस में आपका यहाँ पे ए, कोसिकेंट क्या होता है एच बाई पी, एच हमारे पास क्या है ये है, ये आपका ए की पावर में 2/3 प्लस में आपका बी की पावर 2/3 का अंडर दी रूट और डिवाइड में आपका ए पी की वैल्यू यहाँ पे ए की पावर में आपका 1/3। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो ये मेरे पास जो है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अंडर दी रूट में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ले दो भाई कॉमन ले दो। तो मैंने क्या लिखा, इसको राइट कर दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी ए की पावर यहाँ पे जो है 2/3 प्लस में बी की पावर 2/3, ठीक है, और होल अंडर दी रूट कॉमन, यहाँ पे आपका बी बाय में आपका बी की पावर 1/3 प्लस में आपका ए ओवर में आपका ए की पावर 1/3। ठीक है ना, शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेंगे एलसीएम यहाँ पे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं, एक बार चेक कर लें इसको आप, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है ना, ये मेरे पास बी सीकेंड थीटा, ठीक है, ए को सेकेंड थीटा, और यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दिए सेकेंड थीटा की, मेरे पास वैल्यू आपके पास यही थी, कहाँ सेकेंड थीटा एच बाय में आपका बी, तो बी बेस मेरे पास ये आपका है। ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक बेस मेरे पास ये है, फिर मेरे पास ये आपका है ए और बाय में मेरे पास ये है। ठीक है यहाँ तक शायद ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे करेंगे, और ये मेरे पास पावर क्या है इसकी, वन है, यहाँ मेरे पास पावर क्या है वन है। ठीक है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे वन में से इसको माइनस करेंगे 1/2 को, तो बी की पावर बन जाएगी यहाँ पे 2/3, यहाँ पे वन में से इसको माइनस करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर वन में से 1/3 को लेस करेंगे तो 2/3। तो इसको क्या लिख पाएंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो इसको क्या लिख पाएंगे आप यहाँ पे, ए की पावर में 2/3 प्लस में आपका बी की पावर में 2/3 का अंडर दी रूट, अंडर दी रूट इनटू में आपका इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे ए की पावर 2/3, यहाँ पे बी की पावर 2/3। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे इसकी पावर यहाँ पे क्या है, वन है, इसकी पावर रूट है, रूट मतलब यहाँ पे 1/2 पावर है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होती है एड, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे यहाँ से, क्या लिख पाएंगे इसको आप, ये आपका ए की पावर में आपका 2/3 प्लस में आपका बी की पावर 2/3 होल पावर है, हाफ पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, हाफ 1/2 में 1 ऐड होगा 3/2, तो यहाँ पे आपका 3/2, और यही हमें जो लेंथ है, ये जो मेरे पास लेंथ है ये आपका मिनिमम लेंथ है। ठीक है ना, और यही हमें प्रो यहाँ पे करना था कि शो करो मिनिमम लेंथ मेरे पास ही ये होगी। ठीक है, प्रो हो गया है शायद।